अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं बनाने लगी हूँ रोस्टेड चिकन। इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, फुल चिकन है मेरे पास। आप अगर चिकन थाइस यूज़ करना चाहते हैं, ब्रेस्ट चिकन यूज़ करना चाहते हैं, एंड चॉइस इज़ योर्स। इसके लिए जो मसाले मेरे पास हैं जो मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँगी वो है, यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, लेमन जूस जाएगा, ऑयल जाएगा 1 टेबल स्पून बाइंडिंग के लिए, ये मैं यूज़ कर रही हूँ मिक्स हर्ब्स, ये चिकन क्यूब जाएगा हाफ, ये डिपेंड करता है आपके पास चिकन की क्वांटिटी आप कितनी यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप ये चिकन क्यूब इस्तेमाल करेंगे। अगर इससे ज़्यादा बना रहे हैं, ये मैंने एक फुल चिकन लिया, अगर इससे ज़्यादा बना रहे हैं आप तो आप इसके अंदर फुल चिकन क्यूब इस्तेमाल करेंगे। ये है मेरे पास वाइट पेपर पाउडर, ये है सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, और ये है मेरे पास चाट मसाला। ये सब चीज़ें जाएंगी इसके मसाले में। और योगर्ट मैंने ली है 2 से 3 टेबल स्पून, तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया एक बड़ा सा बाउल, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी योगर्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, ऑयल, सारे ड्राई मसाले, मिक्स हर्ब्स, चिकन क्यूब है इसको आप तोड़ लें और उसके साथ इसको मिक्स कर दें। एक चाहिए होगा स्पून, अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेते हैं। ये चुके हैं अच्छे से मिक्स, अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी चिकन, अभी चिकन के ऊपर ये सारा मसाला जो है वो अच्छे से लग जाना चाहिए। चिकन हो चुका है अच्छे से मैरिनेट, अब इसको रख देंगे, मैरिनेशन का टाइम देंगे इसको फॉर अबाउट 1 आवर और सो। मैं इसको तकरीबन 1 घंटा ही छोड़ूंगी और उसके बाद फिर आगे आपको बता दें कि क्या करना है। इसको आप कवर करके फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें 1 घंटे के बाद, फिर इसको देखते हैं। अगर आपके पास मैरिनेशन का टाइम ज्यादा है तो 2 घंटे भी इसको रख सकते हैं। मैरिनेशन से फर्क ये पड़ेगा कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा सा डेवलप हो जाएगा। तो मैं इसको कुछ देर के बाद दोबारा चेक करते हैं फिर आगे आपको बताते हैं। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि चिकन को मैंने जो मैरिनेट करके रखा था इसको तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका हुआ है, ठीक है। मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया, फ्रिज में मैंने इसको रखा था, तो अब मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है और इसके अंदर इसको शिफ्ट कर देंगे। ओवन को मैंने ऑलरेडी प्री हीट कर लिया है 250 डिग्री पे। चिकन को मैंने बेकिंग ट्रे में फैला लिया है, अब मैं इसको ओवन में रखूंगी तकरीबन आधा घंटा, 25 मिनट, आधा घंटा तकरीबन रखूंगी, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाती हूँ। मैंने चिकन को ओवन से आधे घंटे के बाद निकाल लिया है, ये फुली कुक हो चुका हुआ है, अच्छा सा कलर इसके ऊपर आ चुका हुआ है। अब मैं इसको सर्विंग के लिए निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने चिकन को जो है वो मैंने सर्विंग के लिए निकाल लिया। इसके साथ मैंने कुछ पोटैटो वेजीज बनाई हैं, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी।
और कुछ अनियन रिंग्स जो हैं वो मैंने फ्राई किए हैं। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप ट्राई करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।